सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या नगरी तो एक खास शो लेके रामयोग एक बार फिर तो मैं हाजिर हाँ, गौरव शुक्ला तो नाल। न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते असी तुहानू अयोध्या नगरी दे असी रंग दिखावांगे। 22 जनवरी 2024 दा इतिहासिक दिन किस तरीके नाल पूरा दिन अयोध्या नगरी दे विच निकलिया है और अयोध्या दे नाल नाल पूरे देश दुनिया दे विच किस तरीके नाल इस दिन नूं सेलीब्रेट किया गया, इसे इतिहासिक दिन नूं, वह भी दिखावांगे। जिक्र पूजा पाठ तो लैके जशन दीयां तस्वीरां तक भी होगा कि आखिर अयोध्या दे विच जशन किस तरीके दा सी। पूजा पाठ आपां सारे ने देखिया है ते इस दे नाल नाल अयोध्या नगरी तो बाहर देश दे विच जिथे जिथे भारत वंशी वसदे ने उन्होंने किस तरीके नाल सेलीब्रेट जशन मनाया इस खास दिहाड़े का। शुरुआत अज दो तस्वीरां दे नाल करन जा रहे हैं। कहिंदे ने त्रेता युग दे विच जो 14 साल के बनवास तो बाद प्रभु राम की वापसी हुई तो फिर त्रेता युग दे विच घरां दे बाहर दीवे बाल के उन्हां दा स्वागत किया गया। मौजूदा समय दे विच 22 जनवरी का इतिहासिक दिन कुछ उस तरीके नाल ही स्वागत, करीब 500 साल बाद उस राम मंदिर दे बनन दी खुशी सी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, हर कोई करदा नजर आ रहा सी। खैर वो सपना साकार हो चुकिया है, राम मंदिर दी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, हुण दर्शन खुले दर्शन हो रहे ने। ते दो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां, एक पासे अयोध्या नगरी दीआं रौनकां ने तां दूजी तस्वीर जनकपुरी दी है। माता सीता जिथों ताल्लुक रखते हैं जनकपुरी नेपाल तो, उस दीआं भी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। दोवें थावां ते दिवाली का माहौल है, दोवें थावां ते उत्साह सिखरां ते है, अते इको रंग सांझा है, भगती का रंग, आस्था का रंग, जो इस समय अयोध्या तो लैके नेपाल जनकपुरी तक नजर आ रहा है। हुण जिक्र है प्राण प्रतिष्ठा का, जी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जिसका बहुत लंबे वेले तो इंतजार सी, वो प्राण प्रतिष्ठा की कड़ी भी आई। प्रधानमंत्री इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम दे विच मुख जजमान के तौर के उत्ते पहुंचे हुए सन, उन्होंने पूजा अर्चना की। उस तो बाद जो प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल अलौकिक के वक्रे तरीके दे नाल भगवान राम नू, राम लला नू बयान किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 एक कोई एक सिर्फ तारीख नहीं है, एक नवे काल चक्र की शुरुआत है। सुपने वांग सजी अयोध्या नगरी विच संकल्पां दी श्री राम जन्म भूमि मंदिर विच राम लला दी मूर्ति दी प्राण प्रतिष्ठा दे लई मेहमाना श्रद्धालुआं अते राम भगतां दा वड्डा इकट्ठ हुंदा। लोक उस लम्हे दा बेसब्री नाल इंतजार कर रहे सन, हर थां ते खुशी दा ही माहौल सी। अचानक सारयां दे विचाले पीएम मोदी नजर आए। राम मंदिर परिसर दे विच पीएम मोदी धोती कुर्ता पा के आए सन। मंदिर विच आउंदिया ही उन्हां दे हथ विच लाल चुनरी अते एक चांदी दा छतर नजर आ रहा सी। आले दुआले जय श्री राम दी गूंज सुनाई दे रही सी। मेहमाना अते श्रद्धालुआं दे सामने पैदल तुरदिया प्रधानमंत्री सिंह द्वार तो सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर दे विच दाखिल हुए। पूर्वी द्वार तो पंज मंडपां नूं पार करते हुए पीएम मोदी गर्भगृह दे वल वधे। अगले ही लम्हे वो गर्भगृह दे विच पहुंचे अते राम लला दे विग्रह दी प्राण प्रतिष्ठा दा विधान शुरू होया। कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में। पूरा भारत अते पूरी दुनिया उस लम्हे दा इंतजार कर रही सी। ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਆਗੂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ
पवित्र आसन से प्रधानमंत्री मोदी आचार्यों के विचाले बैठे स। वैदिक रीत रिवाजा के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम शुरू होया। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले, संघर्ष करने वाले, देश की सनातन सभ्याचार के नाते हाथ में जल लेके संकल्प किया। पंडित सुनील शास्त्री ने प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा लिए संकल्प कराया। इस लम्हे के लिए प्रधानमंत्री ने लंघे 11 दिनों तो वर्त रखा होया। दक्षण भारत के मंदिरों में भगवान के दर्शन किए और उस तो बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए। शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से। प्रधानमंत्री के नाल आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत भी प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल हुए। पूर्व अवतार के पवित्र दिन से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। संकल्प तो बाद गर्भगृह के विच राम लला की प्रतिमा के सामने प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस मुखी मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अति यूपी दी गवर्नर आनंदी बेन पटेल प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम दे विच मौजूद रहे। पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने भगवान दे सामने हाथ जोड़ के सारा ने भगवान नु याद किया। उस तो बाद हाथा विच फूल अते जल लेके मंत्रोच्चारण दे विचाले संजीवनी योग दे विच भगवान दी प्रार्थना कीती। इस दे नाल ही 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त आया। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद भगवान दी आँखां विच बनी हुई पट्टी नू खोलिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उस तो बाद राम लला नू आईना विखाया। हथ विच धनुष अते बाण, श्याम रंग दे राम लला दी पहली तस्वीर सब दे सामने आई। इस तस्वीर दे विच राम लला मुस्कुरांदे दिख रहे हैं। भगवान दा ओ दिव्य साकार रूप जिसका जिक्र वेदा दे विच, जिसकी चर्चा पुराणा दे विच है, कवियां अते लेखकां ने जिस रूप नू सारे मनोरथ नू पूरा करन वाला दस्या, भगवान श्री राम दा ओ रूप सारयां दे सामने सी। ए रूप मन मोहना सी। गर्भगृह दे विच राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। इस तो बाद राम मंदिर परिसर दे विच हेलीकॉप्टर तो फुल्लां दी वर्खा कीती गई। अयोध्या विच मौजूद श्री राम मंदिर विच राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा तो बाद आरती कीती। पीएम मोदी ने राम लला दी आरती कीती। अयोध्या दे विच मंगल गीत अते शंख नाद शुरू होया। अयोध्या विच राम मंदिर परिसर दे विच राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा दा अनुष्ठान पूरा हो गया। राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा दे नाल ही 22 जनवरी 2024 दी ए तारीख इतिहास दे विच दर्ज हो गई। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। भारत के इतिहास के विचे तारीख सुनहरी अखरां विच दर्ज हुई है। भारत के आम लोगों का सपना साकार होया। अनगिनत बलिदानियों के संकल्प पूरे हुए ने। भारत तरक्की के नवे सफर से निकल गया जिथों राम राज का सपना सच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो प्रधानमंत्री के वालों एक वखरे तरीके दे नाल बयान किया गया, पूजा पाठ होया और सारी दुनिया ने देखे है। पर इस दे नाल नाल प्रधानमंत्री जो संबोधन कर रहे सन, एक जजमान दे तौर दे उत्ते उन्होंने की महसूस किया, तो उस संबोधन दे विच हर एक चीज सी। प्रधानमंत्री दे शब्दों दे विच जिक्र सी, राम लला आ गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा के इतिहासिक पलों के गवाह बने। अयोध्या मंदिर के विच राम लला के विराजमान होने तो बाद राम मंदिर तो ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधन किया। रामचंद्र की जय। करीब 35 मिनट के भाषण की शुरुआत राम राम तो की, जय सियाराम के नाल समाप्ति की। सियावर रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। पीएम ने राम मंदिर तक पहुंचने के सदियों के सफर तो वाकिफ करवाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों के इंतजार तो बाद साढ़े राम आ गए ने, लंबे वियोग तो बाद विपता खत्म हुई है। 22 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं नवे काल चक्कर की शुरुआत है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दे विच कहा कि साडे रामलला हुण टेंट दे विच नहीं रहणगे, साडे रामलला हुण दिव्या मंदिर दे विच रहणगे। पीएम ने कहा कि अज सानू सदियां दी धरोहर मिली है, गुलामी दी मानसिकता नूं तोड़ के उठ खड़ा हुंदा राष्ट्र इवें ही नवे इतिहास दी सिरजना करदा है। आज हमारे राम आ गए, हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दे विच कहा कि राम विवाद नहीं, राम समाधान है। यह मंदिर महज देव मंदिर नहीं, भारत की दृष्टि दर्शन का मंदिर है। उत्थे पीएम ने न्यायपालिका का भी धन्यवाद किया। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। प्रधानमंत्री ने राम भगतों को नमन किया, कार सेवकों भी याद किया गया। पीएम ने अपने संबोधन दे विच कहा कि साडे त्याग ते तपस्या दे विच कुछ तां कमियां रह गईआं होणगीआं, कि इन्नीआं सदियां तक यह काम नहीं कर सके, अज उही कमी पूरी हुई है। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। स्वाकर सदियों का सफर तय करने के बाद राम भक्तों की मुराद पूरी हुई है, ते 22 जनवरी का दिन इतिहास के सुनहरी पन्नियां दे विच दर्ज हो गया। अयोध्या तो गौरव शुक्ला, न्यूज 18 पंजाब। तो अयोध्या नगरी के रंग अज पूरा दिन वखरे वेखन मिले, तो इस विचाले हुण जिक्र उन्हां दा भी जो खास तौर पर इनवाइटिस भेज के सदे गए सी। जी हाँ, मेहमाना दा जिक्र, तो मैं पहला जिक्र करांगा बॉलीवुड ते दूजे पासे साउथ दे सुपरस्टार्स दा। जिहां बॉलीवुड तो लैके दक्षण भारत दे सुपरस्टार्स अयोध्या दी धरती दे उत्ते प्रभु राम दे दर्शन करन दे लई पहुंचे होए सी। 18 वक्-वक् जिहड़ियां सैलीब्रिटीज ने उन्हां दीआं तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां, हजारां दी गिणती दे विच सैलीब्रिटीज इत्थे पहुंचीआं ने, ते उन्हां दे विचों कुझ 18 अहम चेहरे अमिताभ बच्चन पहुंचे होए सी अपने बेटे अभिषेक बच्चन दे नाल। ते उस दे नाल नाल मैं जिक्र करां तां रजनीकांत, साउथ दा एक बहुत वड्डा नाम है, ओह वी इत्थे नजर आए। उन्होंने नाल रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, और मैं साउथ दे स्टार्स दा जिक्र करा
तो आर 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 फेम रामचरण उन्होंने नाल चरणजीव सने माया नगरी के तमाम वड्डे चेहरे प्रभु के दर्शनों के लिए इतने पहुंचे हुए सन इस समागम का हिस्सा बनने के लिए। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। वंडरफुल एक्सपीरियंस इट्स द पीपल्स ऑफ होल इंडिया नाउ देयर डे मेड। आज सबसे बड़ा सौभाग्य यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। नसीब है ऐसे मेरे जैसे एक चाली का लड़का जो आज इस मुकाम पर आके खड़ा हूँ मैं, राम श्री राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिए बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला है क्योंकि भक्त तो है, भक्त भक्ति रहता है। आपने तो राम के रोल बता राम बता जी जी खलनायक में इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। हिस्टोरिक मोमेंट है, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय श्री राम। हिस्टोरिक मोमेंट है, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय श्री राम। भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने, उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था, बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। It's a long wait and we're all very very honored to be there. Thank you. देखिए पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास और इतना ज़्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला, मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। तो बॉलीवुड तो लैके साउथ के सुपरस्टार प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा समागम के पहुंचे तो समागम के खेड जगत भी नजर आया, जहाँ क्रिकेट तो लैके बैडमिंटन एथलैटिक्स तक वड्डे चेहरे देश के अज नज़र आ रहे थे प्रभु राम की नगरी अयोध्या के। कुछ होर तस्वीर तुम्हें दिखाने जोड़े मेहमान पहुंचे हुए सन उन्होंने नाम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी सी, सचिन तेंदुलकर पहुंचे हुए सन, तो इस मिताली राज, इस साइना नेहवाल, ये सारे चेहरे, वेंकटेश प्रसाद इंडियन सबका इंडियन क्रिकेटर ने और इन्होंने नाल अनिल कुंबले पहुंचे हुए सन, पीटी उषा तक तमाम वो खिडारी शामिल हुए जिन्होंने वक् वक् खेतर देश का नाम चमकया है। अज अयोध्या नगरी पहुंच के वो लाजमी तौर पर खुद न बहुत माण महसूस कर रहे थे, वो एहसास कर उन्होंने भी कोशिश की होनी है जो इतने हर एक श्रद्धालु पहुंच के कर रहा है। आई थिंक कि हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और राम जी के दर्शन होंगे यहाँ पे, तो वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट जब हम सबको दर्शन मिलेंगे और बहुत ही बड़ा दिन है और बिल्कुल जी कोई खुशी नहीं, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं, तो देखते हैं। और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूँगी लोग आए यहाँ पे मेहनत के साथ साथ आस्था भी रखें और देखते हैं अब दर्शन कैसे रहेंगे। आई थिंक कि हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का आज मौका मिला और राम जी के दर्शन होंगे यहाँ पे, तो वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट जब प्राण प्रतिष्ठा के समागम के देश के वड्डे चमकदे सितारे पहुंचे हुए सन, तो उत्थे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के नाल इस इतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए पहुंचे।
मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उन्होंने बेटे अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, बेटी ईशा अंबानी अपनी फैमिलीज के नाल इस खास समागम के शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए सन। हुण जिक्र असीं पंजाब दा वी करदे आं। अयोध्या नगरी दे विच रौनकां ने तां पंजाब दे विच वी खूब रौनकां नजर आईआं। राम सभदे ने ते पंजाब दे विच वी नजर आया। दरअसल कुछ सियासी पार्टियां ने बेशक दूरी बना ली सी पर पंजाब दे विच खूब राम दा गुणगान होया। किसी थां दे उत्ते सेवा लंगर दी निभाई गई तां किते मंदिर दे विच जाके मत्था टेकिया गया। वख-वख सियासी रंग वी इस दिन नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा मौके सारा देश राममयी हो गया। अयोध्या तो शुरू हुए राम नाम की धुन देश के हर कोने कोने ते पहुंची। पंजाब ते राम दा रंग चढ़िया। पूरे सूबे च वख-वख थावां ते भगवान राम नूं समर्पित समागम हुए जिन्हां च पंजाब दे कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। संगरूर च वित्त मंत्री हरपाल चीमा मंदिर दे इक समागम दे विच शामिल हुए तां चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने समाणा के मंदिर के हुए प्रोग्राम च शिरकत की। उधर नंगल ते अजनाला च हुए धार्मिक समागम के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ते एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल हुए ते श्रद्धालुओं नूं प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दिती। उसका 14 साल का बनवास से पर कलयुग 500 साल लंबा बनवास हो के अज भगवान राम अपने जन्म स्थान अयोध्या के पूरे शानो शौकत दे नाल विराजमान हो गए ने। ते यही प्रभु राम दे चरणा च हुण बेनती है कि वो अपनी कृपा पूरे देश उत्ते पूरे कुल दुनिया उत्ते इदां ही बनाई रखण ते जिवें दा राज्य जिवें दे राम राज्य दी असीं हमेशा सुणदे हुंदे आं उदां दा राम राज्य दे लई वो साडे सिर दे उत्ते सानूं आशीर्वाद देण। इस मौके दे उत्ते सब नूं वधाइयां भी दिंदा और मैं आस करदा कि भगवान राम जी की कृपा दे नाल इस देश दे विच जिहड़ी तरक्की है इंसान की जिहड़ी तरक्की है मनुख की जिहड़ी तरक्की है वो अगे नालों होर ज़्यादा होगी। उहदी कृपा दे नाल असीं सारे लोग जातां पातां दे संकट चों निकलांगे। प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में सूबे च वख-वख थावां ते लंगर भी लगाए गए। अमृतसर च लगे लंगर च अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल शामिल होए जिन्हां ने पार्टी वर्करां दे नाल मिल के लंगर छकिया। उधर गिदड़बाह च संगत दे लंगर का प्रबंध किया गया जिस दे विच पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग पहुंचे जिथे उन्हां लंगर वरताया ते देश वासियां नूं सारे मन मुटाव दूर करन दा सुनेहा दिता। सारे धर्मां दे लोक रहिंदे ऐ ते खूबसूरती इस देश दी है कि सारे धर्मां दे लोक कट्ठे होके रहिंदे ऐ ते एक दूजे दी खुशियां विच अपना हिस्सा पाउंदे ऐ। सो अज जिहड़ा सारे देश वास्ते मैं सारे देश वासियां नूं ते दुनिया च वसदे अपने देश वासियां नूं मैं अज दे दिन दी वधाई देना चाहुंदा। स्नेह है ये मैं समझता कि समुचे देशवासियों से आओ सब लोग इकट्ठे मिलके बेशक वो किसी धर्म के जाति नाल तलुकात रखते हैं बेशक वो किसी पार्टी नाल तलुकात रखते हैं बेशक किसी के मन के एक दूजे के प्रति मन मटावट मन है गया मन मटा है आओ असी सारे रल मिल के भगवान श्री राम जी का नाम लैके अज सारे जिहड़े मन मटाव दूर करके एक दूजे नूं गले ला के भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। प्राण प्रतिष्ठा होने के नाल अयोध्या दे विच राम लला विराजमान हो गए ने। इस संबंध विच पंजाब हरियाणा की संगत ते राम रंग चढ़िया तां सियासी आगुआं ने राम राज की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 पंजाब।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਾਮਮਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਖੂਬ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए ते देशवासियों को प्राण प्रतिष्ठा दी बधाइयां दित्तियां। कहा कि भगवान राम हर मन दे विच प्रगट हो रहे हैं। एक विशेष दिन, उत्साह देने वाला दिन। 500 साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके एक खाता बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष के, सैकड़ों वर्ष के ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला जी उसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा के होर इलाकों की तरह चरखी दादरी से भी राम नाम की खुमारी चढ़ गई, जिथे वड्डी गिनती विच मंदिर विच धार्मिक समागम कराए गए। इन्हां विच श्रद्धालु राम नाम दे जकारे छड़दे होए शामिल होए। औरतां पुरुषां सने बच्चां विच वी भारी उत्साह नजर आया ते संचालक ने अपने मंदिर नूं इतिहासिक दस्सिया। मंदिर मंदिर नहीं है, ये धाम है। जब दादरी की प्रशासन हुई थी उस टाइम के तो ये मंदिर था, या बाबा स्वामी दाल का मंदिर था, और यहाँ शंभू प्रकट हुए हुए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये दादरी शहर बसा हुआ है, जिसमें 36 बिरादरी, हर एक कौम, हर एक व्यापार, और इस मंदिर के जो भगत है ना वो पूरे वर्ल्ड में गए हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा दे मौके ना सिर्फ हिंदू सगो मुस्लिम भाईचारा भी राममई हो गया ते करनाल दे करनेश्वर मंदिर दे विच मुस्लिम भाईचारे दे लोग पहुंचे ते देशवासियों नूं सांझी वालता दा सुनेहा दित्ता। वैसे हम भी आए, हम आपके अपने हैं, हमें ऐसी नजरों से मत देखो, पता नहीं कौन आ गया भाई। वो राजनीति करते राजनीति करे, हम भाई नीति करते हम भाई नीति करेंगे। संदेश यही है, हिंदी हम, हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये भावे हरियाणा दे वखो वख इलाके ने, पर सारे हरियाणा विच अजिहा ही माहौल रहा, जिथे थां थां मंदिरां विच समागम कराए गए जिन्हां विच वड्डी गिनती लोग शामिल होए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀਮੇ ਰੰਗ ਉੱਥੇ, ਰਾਮਮੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਗਾਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੋਹੇ ਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰ ਹੋਣ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंच कर कंच पद कर जारुण हो श्री राम।
कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीत मानव तड़ित शुचि शुचि नौमी जनक सुतावर श्रीराम 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 भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनौ रघुनंद आनंद कंद कोशल चंद दशरथ श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विच आई गायिका अनुराधा पोडवाल ने जदों भगवान की स्तुति की तो पूरा वातावरण राममय हो गया। स्वामी तुलसीदास जी दे रामचरितमानस दीआं छुपाईआं अते दोहे भारत दे आम लोकां दी जुबान ते चढ़े होए ने, पर जदों एही दोहे अते छुपाईआं सोनू निगम ने गाईआं तां किहो जिहा आनंद उस वेले आया इस नूं भी महसूस करो। कोई है वही जो राम रचिरा था,
महान गायकों की आवाज के जादू विच बन के लोग घंटियां बद्दी झूमते रहे अते भगवान की भगती की धारा विच बगते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 पंजाब। तो भगवान राम दे प्राण प्रतिष्ठा दे नाल ही ये साफ हो गया कि हुण भगवान राम लला टेंट दे विच नहीं बल्कि अपने दिव्य और भव्य मंदिर दे विच रहेंगे। बड़िया का इंतजार सी जो इंतजार खत्म होया है ते उस तो बाद उत्साह और जोश ते जशन भी देखते दे ही बनता है। प्रभु श्री राम की जिस मुस्कान का इंतजार भारत का हर आम अते खास कई सदियां तो कर रहा सी ओ भगवान श्री राम अपने अयोध्या धाम विच आ गए ने। भगवान दे स्वरूप दे सामने अपने आप ही सिर झुक जाता है। अयोध्या दे श्री राम जन्मभूमि मंदिर दी वैदिक विधि विधान दे नाल प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लला दी मूर्ति दी प्राण प्रतिष्ठा दे समागम विच जजमान दी भूमिका निभाई। मंदिर दे बाहर दी तस्वीर वखरी सी। दुनिया ने इकट्ठिया इन्नी सारियां शख्सियतां नूं पहलां कदे भी नहीं सी वेख्या। किसे प्रोग्राम दा इन्ना शानदार रूप कदे भी नहीं सी वेख्या गया। ए विजय नहीं सगो विनय दा लम्हा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा तो बाद कुबेर दे टीले ते भगवान शिव दी पूजा अर्चना की। इस थां दी पूजा अर्चना दी खास अहमियत है क्योंकि इत्थे आए बिना अयोध्या दी यात्रा अधूरी मन्नी जांदी है। राम कथा वीर जटायु दे त्याग दी कथा तो बिना पूरी नहीं हुंदी। मां सीता दी राखी दे लई वीर जटायु दा बलिदान श्रद्धा दे योग। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा दे समागम तो बाद पीएम मोदी गिद्धराज जटायु दे मूर्ति दे नेड़े गए ते उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल चढ़ा के उन्हां नूं नमन कीता। राम दे यज्ञ विच हवन करन आए भगवा धारियां दा उत्साह अनोखा सी। राम तुंते प्रभु श्री राम नूं याद किया जा रहा है। सिंगर कैलाश खेड़ ने अयोध्या पहुंच के किहो जिहा महसूस किया ए भी सुन। ये पूरा पूरा दृश्य हमारे लिए ऐसा है जैसे परमात्मा की थली पर कोई कार्य हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे दिमाग वाले हैं, दिमाग वालों की दुनिया में अचानक परमात्मा जैसे दिल बनकर उतर आए हों, हृदय बनकर उतर आए हों। हमारे माता पिता का स्वप्न था कि जब तक वो शरीर में रहें तब यदि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए मंदिर जी की, लेकिन वो देवलोक से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। मेरे साक्षात परमात्मा के दर्शन, हम उनके चरणों में बैठ कर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। राम लला दा शानदार रूप देख के अयोध्या विच आए लोग चूम उठे। सरयू दा ओ नजारा सारयां नूं सुकून देण वाला सी। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद वारी सी प्रभु दे दर्शन। प्रभु दी पहली झलक पाण दे लई श्रद्धालुआं दी भीड़ मंदिर दे वल वधी।
वो अद्भुत नजारा सी। जय श्री राम दे नारे लगांदे होए लोग मंदिर दे गर्भगृह वल वधदे गए। सारा ने प्रभु दे दर्शन कीते। पीएम मोदी ने राम मंदिर दी उसारी विच लगे मजदूरां कारीगरां ते इंजीनियर्स नूं सन्मानित कीता। सारयां दे उत्ते फुल्लां दी वर्खा कीती। ये तस्वीर उन्हां दे लई भावुक करन वाली सी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 पंजाब। प्राण प्रतिष्ठा का जिसका इंतजार से वह दिन भी आ गया। उन्होंने सारियां मुबारकबाद जो अज इस अहम घड़ी के गवाह बने ने। जी कई पीढ़ियां चलिया गई इस सुपना देखते देखते कि कदे अयोध्या दे विच राम मंदिर बनेगा। कई सदियां बीत गई इस सुपना देखते देखते कि कदे राम लला अपने मंदिर दे विच अपने महल च विराजमान होणगे। और कई दहाके बीत गए यह सोचते सोचते कि कदे उस संघर्ष का मुल पएगा जिस दे लई राम मंदिर दे लई उस अंदोलन दे लई जो पूरा संघर्ष किया गया सी। खैर वो सब कुछ मुमकिन हो सकिया है। और उस तो बाद हुण भगवान राम रामलला अपने महल दे विच विराजमान भी हो चुके हैं। अयोध्या नगरी तो प्राइम टाइम दे विच अज दे लई नहीं, मेरे सहयोगी अजय ते मैनू गौरव शुक्ला नू इजाजत दिओ। तुसी जुड़े रहो न्यूज 18 पंजाब दे नाल।